खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां अग्निशमन विभाग दीपावली के महापर्व को देखते हुए पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। आपको बता दें कि दीपावली की पर्व पर जनपद में अमन चैन तथा सद्व्यवहार कायम रहे, किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न होने पाए, इसके लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी विश्व रुद्र बनर्जी जो लखनऊ से चलकर गाजीपुर डेरा डाले हुए हैं और पूरे जनपद का भ्रमण कर रहे हैं, वहीं साथ में अग्निशमन प्रभारी SI अनिरुद्ध जो अकेले गाजीपुर अग्निशमन विभाग को संचालित कर रहे हैं वह भी मुस्तैद दिख रहे हैं। गाजीपुर जनपद में दीपावली के दिन अप्रिय घटना न होने पाए, इसके लिए जनपद के सारे तहसील मुख्यालय पर अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। इस प्रकार मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पूछे जाने पर दीपावली के दिन के कुछ सुरक्षात्मक संदेश देकर जनपद के पशु और मनुष्य दोनों को सुरक्षित रहने के उपाय बताए। उनके द्वारा एक मुख्य बात कहकर जनपद वासियों को एक संदेश देते हुए बताया कि किसी प्रकार की कोई वस्तु किसी की चोरी हो जाती है तो वह वस्तु स्थानांतरित होकर के उसके प्रयोग में आ जाती है, लेकिन जो वस्तु मनुष्य पक्षी अग्नि में जलकर राख हो जाएगी वह इस संसार से निष्प्रयोग होकर समाप्त हो जाएगी, उसकी सुरक्षा के लिए हम सतत प्रयत्नशील है। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। की दीपावली के मद्देनजर कोई टिप्स बताए जिससे की अग्नि से सुरक्षित रहे पब्लिक, वो जनता को एक संदेश दीजिए कि क्या क्या सुरक्षा होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए दीपावली में जबकि ज्यादातर ये आतिशबाजियों बाजी का जो है पूजा पाठ के अलावा आतिशबाजी का जो है ये बहुत धूमधाम से त्योहार को मनाया जाता है और जिसमें आतिशबाजी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो आतिशबाजी के प्रयोग करने में पहले तो नागरिक जो है सुरक्षित स्थान पे आतिशबाजी का प्रयोग करें, ये नहीं कि कमरे के अंदर या आंगन में, कैसे आंगन जैसे खुला स्थान है, आतिशबाजियों को खुला स्थान पे बताएं उसका प्रयोग करें। बच्चों को आतिशबाजी का हैंडलिंग न करवाएं, बच्चों से न करवाएं, बच्चों को सुरक्षित दूरी पे रखें। जहाँ पे आतिशबाजी का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था जरूर रखें। अगर किसी कारण से आपको जो है आंखें चौंधिया गई है तो तुरंत ठंडे पानी से आंख धो लेना चाहिए, ये काम जरूर करें। जैसे कभी कभी होता है कि वो जो है बारूद इकट्ठा करके लोग जला लेते हैं, उसमें जो भवक निकलता है जी। उसमें कुछ देर के सब के लिए आंखों में के सामने अंधेरा छा जाता है, तो ऐसी स्थिति में पानी से आंख को धो लीजिए, तब तक धोते रहिए जब तक जो है आपकी रोशनी वापस नहीं आ जाती है। और इसी प्रकार से जैसे आप लोग क्या कहते हैं दिवाली के समय जो रोशनी करते हैं, तो रोशनी में से दिया वगैरह जला रहे हैं तो उसको ऐसे सुरक्षित स्थान पे रखे जहां से जो है आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो। साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, कूड़ा करकट जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वहां पे आतिशबाजी ना करे। वहां पे दिया मोमबत्ती न जलाए, दिया मोमबत्ती जहाँ पे भी चला रहे हैं वो किसी सुरक्षित जगह पे ही जलाए दिया मोमबत्ती। पूजा कहीं पे पूजा जैसे पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे जो अगरबत्ती जलाते हैं जो कुछ भी जलाते हैं उसको जो है पूजा खत्म होने के बाद उसको जो है जलते हुए अगरबत्ती को इधर उधर ना फेंक दे, वहाँ पे जलते हुए दिया को रात भर न छोड़ के चले जाए, मोमबत्ती को जला के रात भर कमरे के अंदर जला के छोड़ के ना चले जाए। छोटी छोटी चीजों से दुर्घटना से बच्चों को विशेषकर बच्चों को वयस्क रखा जाए, बच्चों को वयस्क को विकलांग को सर, जो मंद बुद्धि है इन लोगों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। जानवरों के साथ आतिशबाजी का मजाक ना करें, ये जानवरों को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुत्ते के पूंछ पे जो है पटाखे बांध दिए और उसको उस पर आग लगा दिए, जानवर घायल हो जाते हैं, घबरा के काट लेते हैं, तो इस तरह का कोई हरकत ना करे। जानवरों के गाड़ियों के नीचे गड्ढा लगा के ना बजाए, जैसे कोतवाल में कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कहीं पे गाड़ी खड़ी है सर उसके नीचे जो है वो जो है आतिशबाजी लेके बजा दिए, ऐसा ना करे। कहीं पे जैसे छत पे लोग खड़े हैं तो उनके दिशा में रॉकेट किसी भी तरह से जैसे आतिशबाजी कर रहे हैं लोग छत पे खड़े हैं, रॉकेट का दिशा उधर उधर की तरफ ना जाए, ये सुरक्षा अपनाना चाहिए। जो लोग आतिशबाजी के दुकान लगा रहे हैं वो लोग भी सुरक्षित तरीके से दुकान लगाए, दुकान में इलेक्ट्रिकल वायरिंग ना हो जैसे शॉर्ट सर्किट से आग ना लगे। दुकान में बचाव के लिए कंबल, पानी, बालू और अगर फायर एक्सटिंग्विशर भी रख सकते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखे, लेकिन साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की विधि भी आनी चाहिए। नहीं आ रहा है, चलाना नहीं आता है तो नजदीकी फायर स्टेशन में जाके उसकी ट्रेनिंग ले ले।
उसके साथ साथ जो नियम है विस्फोटक पदार्थों के, जो उसमें दुकान की जो नियम है, वो नियम जैसे जैसे अस्थाई जो आतिशबाजी रखते हैं उसका, जो उसके नियमों का पालन करें, हर दुकान के बीच में कम से कम 3 मीटर का फैसला रखे, दुकान के समूह के आमने सामने जो दो समूह हैं उस समूह के आमने सामने मिनिमम 50 मीटर का फासला रखे, जो जहाँ पे बाजार लग रहा आतिशबाजी का बाजार लग रहा, खुले स्थान पे किसी भी दशा में वाहनों का पार्किंग ना करे, आतिशबाजी के दुकान जो लोग चला रहे हैं वो मतलब गाजीपुर जनपद के जनपद में प्रवास करने का क्या तत्पर है, डिटेल बताएं सर। देखिए, मेरा नाम विश्वरूप बनर्जी है, मैं इस समय फायर सर्विस हेडक्वार्टर में पोस्ट हूँ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा जी। इस विभाग का ये नया नाम है सर। सर पहले केवल अग्निशमन सेवा नाम था, अब अग्निशमन व आपातकालीन सेवा इसका नाम है। तो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि आग के साथ साथ किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के रोकथाम के लिए, कंट्रोल के लिए ये विभाग जो है हमेशा तत्पर रहती है। तो इस कुछ जनपदों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे CFO भी नहीं है, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नहीं है, और ये भी नहीं है, अग्निशमन अधिकारी नहीं है। ऐसे जनपदों में ये धनतेरस, दीपावली, ये सब जो लगातार पर्व पड़ रहे हैं, इन पर्वों में किसी तरह से दुर्घटना में बचाव के लिए या उस दुर्घटना के पर्यवेक्षण के लिए जनपद में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए, अग्नि सुरक्षा एवं जीवन रक्षा व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए ये टेम्पररी हमको यहाँ पे भेजा गया है। सर, दीपावली तक आपका प्रवास यहाँ सुनिश्चित रहेगा? दीपावली हाँ बिल्कुल रहेगा जी जी, मैं तो यहाँ पे रह के पर्यवेक्षण करूंगा जी जी जी। तो सर, मान लीजिए अगर कोई अप्रिय घटना आपके मुख्यालय से दूर घट जाती है, उसके संबंध में जिसे आगे मुड़ के बाटा है, यहाँ से 45-46 किलोमीटर है, और वहाँ अगर घटना घट जाती है तो उसके लिए तत्काल सेवा कैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमको भेजा गया है कि जो संसाधन है उस संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन इस तरह से कर दिया जाएगा। जैसे हमारे पास इस समय जितने फायर टेंडर है और जितने हमारे पास मोबाइल यूनिट है, जितने हमारे पास पंप है चाहे जिसको हम स्टेशनरी कर सकते हैं, उन सबको ऐसे टेम्पररी ड्यूटी लगा के ऐसे ऐसे स्थानों पे एलोकेट कर दिया जाएगा। जैसे आपने जिस जगह का नाम लिया है, आजमगढ़ बॉर्डर पे कोई बात होती है तो वहाँ पे जो तहसील है जी, उस तहसील में भी हम व्यवस्था करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या व्यवस्था है। क्योंकि देखिए, केवल पटाखों के दुकानों के अग्नि सुरक्षा के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं पूरे जनपद की अग्नि सुरक्षा और इसका पर्यवेक्षण करने आया हूँ। तो पर्यवेक्षण का मतलब ही ये है कि उसको पहले मैं एनालाइज करके, मैं अभी क्या था, मैं ऐसा पूरे जनपद को मैं घूमने ही निकला था जी। तो जनपद में सब जगह को मैं देख लेता हूँ, कहाँ पे संवेदनशीलता ज्यादा है, कहाँ पे फायर रिस्क ज्यादा है, कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से संसाधनों को एलोकेट कर दिया जाएगा ताकि जनता की मांग पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। सर, आपकी सेवा को जान करके अब हम लोग बड़े गदगद हैं।